नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार झारखंड के सबसे बड़े YouTube न्यूज चैनल लाइव सिटीज को और मैं हूं आपके साथ प्रियांक सौरभ। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज पटना पहुंचे। पटना के श्रीकृष्ण मेमोरियल हॉल में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जहां पर धारा 370 को लेकर यह कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इसी बीच अब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने राजनाथ सिंह से एक अपील किया है। उन्होंने क्या कुछ कहा है, पहले आप सुने। राजनाथ सिंह जी भी आए हैं तो हम उनसे भी अपील करेंगे, थोड़ी लोगों को रोजगार दिलवाइए। मंदी, जीडीपी, सब जो है अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से चौपट है। किसान आत्मदाह कर रहा, थोड़ा उस पर भी ख्याल रखने का काम कीजिए। और हमको तो चीन से भी उतना ही खतरा है, बल्कि ज़्यादा खतरा है। थोड़ा रक्षा मंत्री है तो चीन के सामने खड़े होकर के दिखाइए, लड़के दिखाइए। उन्होंने कहा कि पीओके पर बात होगी, पीओके पर बात होगी, सप्ताह से जरूरी राष्ट्रहित है। हम तो बोल दिए ना भाई, क्या राष्ट्रहित लोगों को रोजगार देना नहीं है, देश का अर्थव्यवस्था मजबूत करना नहीं है, किसान जो है बेचारे आत्मदाह कर रहे हैं उनका कर्ज माफ करना नहीं, क्या राष्ट्रहित जो है कॉर्पोरेट टैक्स कम करना है। तो धारा 370 को लेकर जहां विपक्ष लगातार सरकार को निशाने पर ले रही है, वहीं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने आज राजनाथ सिंह से, जो कि आज पटना पहुंचे थे, उनसे एक अपील की। उन्होंने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था को भी संभालने का काम कीजिए, साथ ही साथ देश में जो बेरोजगारी की स्थिति है वो काफ़ी भयावह होती जा रही है, उसको भी संभालने का काम करें। उन्होंने कहा कि बिहार ही नहीं पूरे देश भर में किसान जो है वह आत्मदाह करने पर तुले हुए हैं, साथ ही साथ देश की अर्थव्यवस्था काफ़ी खराब हो चुकी है। इन सब से इतर जो सरकार है वह 370 पर जश्न मनाने में लगी हुई है। इस दौरान तेजस्वी यादव ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से कहा कि हमारे देश के लिए चीन भी एक बहुत बड़ा खतरा है, अगर आप देश के रक्षा मंत्री हैं तो आप चीन के सामने क्यों नहीं खड़े होते, उससे लड़ते क्यों नहीं हैं। साथ ही साथ उन्होंने अर्थव्यवस्था को लेकर भी कई सवाल खड़े कर दिए। आप बने लाइव सिटीज के साथ। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द सब्सक्राइब करें और हर छोटी बड़ी खबर को विस्तार से पढ़ने के लिए livecities.in पर जाएं। धन्यवाद।